हाय गाइस, आदर्श हियर। और यार, आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को WBJEE की जो काउंसलिंग है इसके प्रोसेस के ऊपर बताऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं यार कि इस चैनल पे आप लोगों को अभी कॉलेज रिव्यूज़ मिल जाते हैं और बहुत सारे काउंसलिंग अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन, मतलब काउंसलिंग के लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, वो अभी आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाऊंगा मैं कि कैसे कैसे काउंसलिंग की जाती है, कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, कैसे चॉइस फिल की जाती है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को चॉइस फिल करनी होती है कि आप लोगों को कौन सी कॉलेज चाहिए और कौन सी कॉलेज में आप लोगों को कौन सा ब्रांच चाहिए, उसको उस हिसाब से सेलेक्टिव यूज़ करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को चॉइस को लॉक करना पड़ता है कि हाँ भाई, मुझे यही वाली कॉलेज में इसी वाली ब्रांच को चाहिए। ये करने के बाद आप लोगों की पहली सीट अलॉटमेंट होती है, मतलब कि आपने तो चूज कर लिया कि भैया मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, या मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में CSE ब्रांच चाहिए, या मुझे IIM में CSE मिल जाए और ECE मिल जाए। मगर अगर आपकी रैंक उस बीच में नहीं रही, अगर उस कॉलेज में अगर आपको नहीं मिल रहा होगा, जिस भी कॉलेज में आप लोगों को जो भी ब्रांच मिल रही होगी उसके हिसाब से आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाती है। पहली सीट अलॉटमेंट हो गई। अब सीट अलॉटमेंट के बाद आप लोगों के पास दो ऑप्शन रहता है, या तो आप आगे बढ़ जाओ, मतलब कि आगे बढ़ने का मतलब यह है कि आपने सीट को बुक कर लिया और बुक करने के बाद आप लोग वहां पर जाके फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, या तो फिर यह कर सकते हो कि आप होल्ड ऑन करते हो, फिर बोलते हो कि नहीं भैया, मुझे एक और सीट जो है अलॉटमेंट दोबारा हो, और उसके लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। तो दोबारा सीट अलॉटमेंट हो, और सीट अलॉटमेंट होने के बाद जब मुझे फिर से दोबारा रिजल्ट आएगी तो मैं देखूंगा कि मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये होने के बाद फिर हमारी एक बार फिर से आप लोगों को जाके एक बार मौका दिया जाएगा कि अगर आप लोगों को कॉलेज मिल जाती है तो आप लोग लॉक कर सकते हो, अगर नहीं मिलती है तो फिर आप लोगों को तीसरा चांस दिया जाता है, तीसरा अलॉटमेंट होता है। तो तीसरा अलॉटमेंट होने के बाद ये हमारी फाइनल अलॉटमेंट होती है, इसके बाद जाके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, या फिर कहूँ तो एडमिशन लेना पड़ता है। अब एडमिशन की क्राइटेरिया खत्म हो गई। एडमिशन की क्राइटेरिया खत्म होने के बाद अब हमारा, जैसे कि कॉलेज में देखा गया कि हाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में 50 सीट्स बाकी रह गई, IIM में भी 100 सीट बाकी रह गई, हेरिटेज में 60 सीट्स, 100 सीट्स बाकी रह गए, ऐसे ऐसे करके सारे कॉलेजेस में इस ब्रांच में इतने इतने सीट्स बाकी रह गए। अब इसे पूरा करने के लिए मॉपअप राउंड को लाया गया है। ये मॉपअप राउंड कब होता है? ये तभी होगा जब कॉलेजेस में सीट्स बाकी रहेंगी, ठीक है। कब होता है? जब कॉलेजेस में सीट्स बाकी रहेंगी। मॉपअप राउंड होने के बाद ये फाइनल चीज हो जाती है, इसके बाद आप लोगों को कॉलेज मिल जाता है। अब एक चीज और है, जादवपुर यूनिवर्सिटी एक स्पेशल राउंड भी अपनी कराती है, जैसे कि 2-3 सालों से देखा जा रहा है ये स्पेशल राउंड करवाया जाता है अगस्त के महीने में। लिटरली अगर मैं कहूँ तो अगस्त के महीने में ये करवाया जाता है, क्योंकि उसमें अगर सीट्स कुछ बाकी रह जाती है, तकरीबन अगर 20-25 या 30 सीट्स बाकी रह जाती है, तो सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए एक स्पेशल सा राउंड होता है। तो सारी चीज़ें मैं, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना, बस सब्सक्राइब कर लेना, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँगा। बहुत कॉम्प्लेक्स सी एक आप लोगों को ये चेन दिख रही होगी, ठीक है। तो ऐसे ही करके कुछ हमारा काउंसलिंग होता है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को वीडियो में, पिछले साल की वीडियो में लेके जाता हूँ कि कैसे कैसे काउंसलिंग करना है, ताकि आप लोगों को एक बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ भाई, काउंसलिंग कैसे होती है। चलिए, सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो ऐसे ही कुछ, ये देखिए, रजिस्ट्रेशन की जो एक फॉर्म है ना, वो इस तरीके से आती है उसकी वेबसाइट पे। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पे रोल नंबर डालनी होती है, पासवर्ड डालनी होती है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालना होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे तीन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम से, या फिर अगर आपने JEE मेंस दिया तो उससे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप JEE मेंस और वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम दोनों से ही, तीनों से ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किन चीज़ों को दिए हो, कौन से एग्जाम को, उससे आप लोग यहाँ पे चूज करो। मैं आप लोगों को यहाँ पे WBJEE और इसको चूज करके दिखाता हूँ। स्टेट ऑफ डोमिसाइल अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो वो चूज कर लो, अगर नहीं हो तो कहीं और के हो तो फिर आप लोगों को कुछ डालने की जरूरत नहीं है। OBC भी आप लोगों को ये सब तभी डालना है जब आप वेस्ट बंगाल के होगे, और फिर आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें ये सब डाल देनी है कि डिसेबिलिटी है या नहीं है। अब डिसेबिलिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप तभी भरो जब आप इसके डॉक्यूमेंट जो है ना वो प्रूफ कर सको। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप यहाँ पे दे दोगे और तभी वहाँ पे काउंसलिंग के वक्त आप लोगों को प्रॉब्लम्स वो आएगी। जो भी चीज़ें आप भरोगे, सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दिखानी होगी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे एलिजिबिलिटी जो है TFW, मतलब इससे फीस वेव हो जाता है, आपका कम हो जाता है, तो इसके लिए भी डॉक्यूमेंट दिखानी होगी। जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करें और प्रोसीड करने के, सबमिट करने के बाद देखिए ये नई वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। इसमें आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है, इसमें सारी डिटेल्स वगैरह जो है ये आप लोगों को यहाँ पे भरनी होती है, ठीक है। तो जैसे कि JEE मेंस, मैंने यहाँ पे नंबर, यहाँ पे देख सकते हो कि JEE मेंस की रोल नंबर और JEE मेंस की एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरी हुई है। कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे डालनी है, जैसे कैंडिडेट नेम वगैरह, ये सब आप लोगों को एडिट वगैरह वो करना पड़ता है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल के आप लोगों को आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, इसे आप लोग पढ़ के एक बार एग्री कर लेना, और उसके बाद आप लोगों को एक नई पेज पे
वो आप चले जाओगे और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है आप लोगों का, यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाती है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है वो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे भरनी पड़ती है। देखिए अभी मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर आपको नाटा मतलब अगर आपको आर्किटेक्चर की सीट चाहिए, तो अगर आपको आर्किटेक्चर की सीट चाहिए तो आप लोगों को या तो नाटा की पेपर देनी होगी या तो जेई मेंस की पेपर 2 देनी होगी अगर आप सेलेक्ट करते हो तो, अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप नोनो भर के आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ना मतलब किस साल आप 12th पास किए हो, क्या 12th की डिटेल्स है, मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे भरनी पड़ती है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी सिटीजन, तो ऑब्वियसली आप सिटीजन इंडिया के ही हो गए अगर आप वेस्ट बंगाल जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही होते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एग्रीगेट परसेंटेज आपकी कितनी आई है क्लास 12th एग्जामिनेशन में, तो वो आप लोगों को यहाँ पे टोटल परसेंटेज जो होगी वहाँ पे भर देना है कितनी एग्रीगेट परसेंटेज आई है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ रहा है, नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है कि स्टेटस क्या है कि आप यहाँ पे मतलब पास्ड हो या फिर इनकम्प्लीट, मतलब अगर आप कुछ एग्जाम वगैरह होती है ना कंपार्ट वगैरह वो दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे भरनी होती है। और कब पास किए हो ये भी यहाँ पे आपको एक जगह लिखना होता है। तो यहाँ पे आप ईयर में मैं कुछ भी लिख देता हूँ क्योंकि ये तो एक मॉक काउंसलिंग टाइप से मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ कि हाँ कभी भी मैंने पास किया। अब यहाँ पे आपको मार्क्स जल्दी जल्दी मैं भर देता हूँ, उतना आप लोगों को दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो बस एक रफ एस्टिमेट आइडिया आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कितने मार्क्स आपको आउट ऑफ कितने मार्क्स में आए हैं ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे भरनी होती है। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे फिजिक्स दिया हुआ है तो फिजिक्स का आपने मार्क्स लिखा, फिर केमिस्ट्री मैथ्स सबका मार्क्स लिखा, और इंग्लिश की सेपरेटली आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स वो लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ती है क्योंकि फिर ना आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो तो बाद में आपको 5000 या 7000, इस साल क्या है पता नहीं लेकिन पिछले साल 5000 थी, तो 5000 आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स मैंने बैंक अकाउंट की भी भर दी। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंने भर दिया कि हाँ भाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी क्या है, और लास्ट में सिक्योरिटी पिन डाल के प्रोसीड कर जाए। अब ना हमें यहाँ पे एलिजिबल सीट्स वगैरह क्या है ये सारी चीज़ें दिखाएगी क्योंकि हमने वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम और जेई मेंस दोनों से ही हमने अप्लाई किया, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। और लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि किन किन सब्जेक्ट्स के लिए और किन किन चीज़ों के लिए हम एलिजिबल है, वो सारी चीज़ की एलिजिबिलिटी दिखाई है। हमने क्या किया था कि हमने नाटा या फिर जो आर्किटेक्चर की सीट है उसके लिए हमने अप्लाई नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नॉट एलिजिबल यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर आपने नाटा और आर्किटेक्चर के लिए भी अप्लाई किया होता आप लोगों के लिए बीआर भी एलिजिबल होती। यहाँ पे अग्री करके अब आगे हम लोगों को प्रोसीड कर देना है। होने के बाद हम एक देखिए एक साइट पे आ गई और इस साइट पे हमें बता रहा है कि हमको 500 रुपीज पे करना होगा तभी जाके हम लोग फिर आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 500 रुपीज़ हमने पे कर दिया और हमें फिर ये देखिए ये साइट मिल गई। यहाँ पे हमें कौन कौन से कॉलेज मिल सकती है और कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच मिल सकती है ये हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे लिए 500 से भी ज़्यादा च्वाइसेज हैं, मतलब कि कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच मिल सकती है क्योंकि मेरी जेई मेंस की मार्क्स कितनी थी, मेरी क्लास 12th की मार्क्स कितनी थी, मेरी वेबजी की मार्क्स कितनी थी, उसके हिसाब से ये चीज़ डिटरमाइन होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। फिर आप लोगों को कॉलेज चूज करनी पड़ेगी इसके आगे की प्रोसेस में, फिर आप लोगों को क्या करना होगा कॉलेज चूज करना होगा। तो ये सारी डिटेल्स वगैरह आप देख लीजिए जितनी भी आप चले। हमने सारा डाटा तो देख लिया कि हमारी रैंक वैंक क्या है। हम लोग होम पे जाते हैं और होम पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग चॉइस फिल करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करना चाहते हो, गवर्नमेंट एडेड को चूज करना चाहते हो, प्राइवेट को चूज करना चाहते हो, या फिर और भी कोई ऑप्शन है उसको। तो यहाँ हम लोग ऑल को चूज करके उसके बाद रैंडमली, जैसे कि मैं आप लोगों को रैंडमली करके दिखा रहा हूँ कि किसी किसी को भी हमने चूज कर लिया, बट आपको उन्हीं को चूज करना है जिसकी प्रेफरेंस आपको सबसे ज्यादा है। सपोज आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में चाहिए तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के सारे ब्रांचेस को आपने सबसे ऊपर के रैंक वाइज ऑर्डर में रखा। अब इसमें क्या है कि आपने ये सारी चीज़ें भर दी, कुछ मैंने रैंडम भर दिया। आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या मैं इसे अब चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो इसे आप फिर लोग मतलब कि चेंज भी कर सकते हो। जिसको आप लोगों को नहीं रखना है उसे आप लोग यहाँ पे जाके काट सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऊपर एक ऑप्शन भी मिल जाती है कि क्या चीज़ आप लोग भरना चाहते हो, मतलब कौन कौन सा कॉलेज में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ आप लोग जाके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो कि भैया मुझे इस कॉलेज में जाके इसी वाली ब्रांच को या फिर इसी चीज़ को मुझे
चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद उस चीज़ को आप लोग फिर जाके रीअरेंज भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग में आप लोगों को, जैसे कि मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी सेकंड में कौन सी कॉलेज आ गए, थर्ड में कौन सी कॉलेज आ गए, अब इसको भी आप लोग यहाँ पे ऊपर नीचे करके चेंज वगैरह कर सकते हो कि हाँ भैया ये वाली कॉलेज मुझे ऊपर चाहिए, मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी में मुझे CSE सबसे पहले चाहिए। तो अगर आपने जादवपुर यूनिवर्सिटी के CSE को नीचे रख दिया, अगर आपकी रैंक 1 भी रही तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, समझ रहे हो बात को। तो काउंसलिंग के वक्त ये ध्यान रखना है कि जो आप लोगों को कॉलेज चाहिए उस कॉलेज का प्रेफरेंस सबसे ऊपर होना चाहिए। मतलब आपको अगर कम, मतलब समझ लीजिए कि अगर आपको IEM चाहिए और आपकी रैंक 3000 है, आपको CSE मिल सकती है, लेकिन आपने क्या किया कि एक कोई पीछे वाले कॉलेज, सपोज हल्दिया को आपने उसके ऊपर रख दिया, तो उससे क्या होगा कि हल्दिया आपको मिल जाएगी, IEM नहीं मिलेगी, इवन आफ्टर कि आपकी रैंक काफ़ी अच्छी है, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ आप लोगों को काउंसलिंग के वक्त खासा ध्यान रखना है कि कौन से कॉलेज की क्या प्रेफरेंस है। पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि हाँ भैया मुझे कौन से कॉलेज चाहिए, क्या प्रेफरेंस है उसकी, उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे चूज़ करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे तो रैंडम आप लोगों को करके दिखा दिया क्योंकि ये तो मेरे लिए मॉक काउंसलिंग है, लेकिन अगर ये ओरिजिनल काउंसलिंग होती तो फिर रैंक वाइज होता। मतलब बहुत किसी को होता है कि भैया मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज की प्रायोरिटी सबसे पहले देनी है। बहुत किसी को होता है कि प्लेसमेंट वाइज कॉलेज चाहिए होगा, तो प्लेसमेंट के लिए जादवपुर अच्छी है हमारी, और सेकेंड में हमारा IEM कोलकाता आता है, IEM कोलकाता की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, हमें पता है कि हाइएस्ट पैकेज 40 लग गई है। तो हम क्या किए कि पहले हम लोगों ने जादवपुर को भरा, फिर जादवपुर के बाद हमने IEM को भर लिया। तो यहाँ पे कुछ भी एक रैंडमली मैं करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग भर रहे होगे, जब आप लोग काउंसलिंग कर रहे होगे, तो इन चीज़ों को खासा ध्यान में रखना, अदरवाइज आप लोग फंस जाओगे। अब इन चीज़ों को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, चॉइस फिलिंग को ऊपर नीचे भी सारी चीज़ों को कर सकते हो, तो वो मैं आगे की जब डिटेल्स में बताऊंगा ना, तो उस समय आप लोगों को फिर मैं डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी इतना चीज़ बताने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बस मेरे साथ बने रहना, तो अगर बने रहोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को फिर जानने को मिलेंगी, पता चलेंगी कि यार कैसे काउंसलिंग होती है। तो उसके लिए क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। जो है चॉइस को चूज़ कर लिया है, अब इस चॉइस को चूज़ करने के बाद आप सेव एज ए ड्राफ्ट भी कर सकते हैं या फिर आप लोग इसे लॉक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 12 को मतलब लॉक नहीं किया, 12 को मैंने लॉक करने के लिए प्रोसीड किया, ठीक है। अब यहाँ पे आके मतलब बाद में आप अगर एडिटिंग वर्ना करना चाहो तो अगर आप फुल्ली लॉक कर दोगे तो फिर आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखना करते वक्त कि भैया लॉक कर रहे हो, तो जैसे कि मैंने अब यहाँ पे लॉक कर दिया, तो लॉक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, जो भी मेरी रैंडम सिक्वेंस बन चुकी है। तो इन चीज़ों को जब आप भर रहे होगे तो ध्यान में रखना भैया कि मेरे को कौन सी इंस्टीट्यूट सबसे पहले चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ से आके इजीली प्रिंट आउट कर लेना, और फिर ये काउंसलिंग के वक्त आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि कैसे प्रिंट आउट किया जाता है, ठीक है। तो बस लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।